आज हम बात करने वाले हैं IGSU एग्जामिनेशन के बारे में। तो अभी अभी अपना सेशन चालू हुआ है, आप लोगों का 10th क्लास में जो बच्चे आए हैं या जो बच्चे भी क्लास 9th में आए हैं, और आप में से जो लोग IGSU के लिए एलिजिबल है अभी, राइट, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है टू गेट स्टार्टेड विथ द प्रिपरेशन ऑफ एन एग्जाम, जो बहुत ज़्यादा अच्छा एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आई विल टेल यू वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशंस। आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर सब्सक्राइबर्स, आई एम सेइंग दिस क्योंकि अगर आप नहीं करते सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन तो आपको मेरी वीडियो सजेस्ट ही नहीं होंगी। तो प्लीज डू इट, ओके। तो सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि पता है मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है IGSU की? IGSU इज लाइक अ मिनी JEE, ओके, या इट्स अ मिनी नीट, ओके, डिपेंडिंग ऑन वॉट योर गोल इज इन द फ्यूचर। क्योंकि देखिए ये जो एग्जाम है ना, इसमें आपको काफी, पहली बात इसमें सच्ची में JEE नीट लेवल के क्वेश्चंस आते भी हैं, ठीक है। आप अगर बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे स्टेज टू के, वो नीट के लेवल से अबव आते हैं, ठीक है। या आप फिजिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे, वो JEE मेन से अबव लेवल के आते हैं। इवन कुछ क्वेश्चंस JEE एडवांस को टच करते हैं, राइट। केमिस्ट्री ऑल्सो यू कैन से द सेम। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम है, काफ़ी रिलेवेंट इसका सिलेबस भी है, बिकॉज स्पेशली अगर आप आगे जाके नीट की तैयारी करने वाले, इसमें बायोलॉजी भी पूछी जाती है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, राइट, JEE एस्पिरेंट्स के लिए भी अच्छा है। बायोलॉजी कोई ऐसी हाईफाई भी नहीं आती कि आप JEE वालों के लिए दिक्कत है, बट इट्स अ वेरी रिलेवेंट एग्जाम क्योंकि आप चीज़ें सीख रहे हो जो आपको आगे वैसे भी पढ़नी है, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दिस इज द ओनली एग्जाम इन क्लास 9th-10th जिसमें आप सच में चैलेंज हो रहे हो इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, राइट। बाकी जो एग्जाम्स हैं जैसे RMO है, वो JEE से बहुत ही अलग सड़क जाता है, इट हैज़ नो रिलेशन एंड इट टेस्ट ओनली वन सब्जेक्ट, राइट। NTSC इतना लेवल नहीं होता है, बाकी एग्जाम्स का भी इतना लेवल नहीं है। दिस इज द ओनली एग्जाम विच gives you a taste of what preparation of these exams is like, right? तो अभी इसको IOQJS कहा जाता है, ठीक है, लेकिन हम इसको IGSU तो ही बोलेंगे, ठीक है। IOQJS is the first stage of this Olympiad, right? तो please prepare for it. It's like a mini JEE NEET in your earlier years, okay? और अभी आप अगर इस exam की तैयारी कर लेते हो ना, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, because you will be getting an exposure कि एक next level का competition कैसा होता है, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है, प्रिपरेशन कैसे क्या रहेगी। तो इसके बारे में देखो, मैं डिटेल वीडियो एक बना सकता हूँ अगर आप मुझे कमेंट करें सब्जेक्ट वाइज, और मैंने कुछ बना भी रखी है, थोड़ी ओल्ड हो गई बट आई स्टिल मेड देम। सो लेट मी नो द कमेंट्स कि मैं IGSU के बारे में और क्या डिटेल में बात करूँ, या आप चाहते हो कि मैं किसी और चीज़ के बारे में बात करूँ, मुझे कमेंट्स में बता दो ताकि मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी अगर अपन ब्रीफली डिस्कस करना चाहें तो IGSU की प्रिपरेशन में मुझे लगता है कि आप कोचिंग के थ्रू प्रिपरेशन करते हो ना, वो अच्छी बात नहीं है। उसका रीज़न ये है कि कोचिंग्स में यूजली IGSU की प्रिपरेशन कराई नहीं जाती है, ठीक है। जैसे मेरी कोचिंग थी, उसमें IGSU के नाम पर 9th-10th की पढ़ाई कराई जा रही थी और कुछ भी नहीं था एक्स्ट्रा, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप कोटा जैसी जगह में हो, या मे बी यू आर इन वन ऑफ दोस प्लेसेस जहाँ पे कोचिंग हब है, हैदराबाद या दिल्ली वगैरह, हो सकता है कि आपको शायद थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता हो, बट आई स्टिल थिंक कि ओलंपियाड एक ऐसी चीज़ है यार जो कोई कोचिंग क्रैक नहीं करा सकती है, दैट कैन ओनली बी क्रैक बाय योरसेल्फ, बिकॉज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन IOQJS, INJSO, स्पेशली इन सेकंड स्टेज एंड ऑनवर्ड्स, वो बहुत ही अलग लेवल की चीज़ें होती है जिसमें आपका दिमाग सच में चलना चाहिए। इवन फर्स्ट स्टेज में भी यार, इफ यू लुक एट द क्वेश्चंस, दे आर नॉट कोचिंग वाले क्वेश्चंस, दे आर वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो ओरिजिनल होते हैं, विच कैन ओनली बी आंसर्ड बाय पीपल हु हैव ओरिजिनल थॉट एंड दैट कैन नॉट बी डेवलप्ड बाय सम कोचिंग, ओके। सो इट इज़ बेटर कि आप बुक्स के थ्रू प्रिपरेशन करो, ठीक है। जैसे मैंने IGSU प्रिपरेशन के लिए बुक्स की वीडियो भी बना रखी है, यू कैन सर्च कल्पित तिरवाल IGSU बुक या कल्पित तिरवाल IGSU, यू विल फाइंड इट ऑल। तो जैसे HC वर्मा की कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स है, या NCERT टेक्स्ट बुक्स हो गई 11th तक की, 9th-10th की बुक्स भी होगी NCERT, और जैसे हाँ मेनली यही बुक्स की थी मैंने, और तो कुछ किया नहीं था, राइट। तो ऐसी चीज़ें जो कॉन्सेप्चुअल है काफ़ी, वो पढ़ें बुक्स में, ठीक है। अब हालांकि आजकल एक बेटर चीज़ हो गई है कि आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी आ गए हैं, ठीक है। जैसे अकेडमूस का एक पूरा IGSU प्रिपरेशन का कोर्स चलता है, जिसका पूरा करिकुलम मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ क्या, पहले एग्जिस्ट नहीं करती, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मेरे पास कोई IGSU का मटेरियल नहीं था, राइट, बट अब आ गया है। तो IGSU का हमारा कोर्स है, आई डोंट थिंक कोई और प्लेटफॉर्म है जो IGSU के लिए डेडिकेटेड कोर्स ऑफर करता है, तो एंड बाय समवन जिसने सच में क्लियर किया हुआ है एग्जाम, ठीक है। तो मुझे पता है एग्जाम कैसे क्लियर करना है, क्या है सब कुछ, टेस्ट वगैरह, क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेक्चर, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएंगे। 9th-10th का भी कवर्ड है, सारे ओलंपियाड्स स्पेशली IGSU का इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसको। तो मेरा सजेशन रहेगा बुक से पढ़ो, और बेटर है ऑनलाइन कोर्स से पढ़ो, कि बुक्स कॉस्ट भी ज़्यादा करेंगी, ऑनलाइन कोर्स सस्ते पड़ते हैं, एटलीस्ट हमारा तो है,
एंड उसमें बेटर कवरेज भी हो जाती है। सो आई वुड रिकमेंड कि सेल्फ स्टडी करनी है आपको एग्जाम की, क्योंकि ओलंपियाड सेल्फ स्टडी से ही निकलता है। ओलंपियाड के लिए आपको कोई ट्रेन नहीं कर सकता है, ठीक है, ये सब सेल्फ स्टडी की चीज़ें, बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह सेल्फ स्टडी की चीज़ें हैं, राइट। और आगे भी यही होगा, आगे भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री ओलंपियाड की प्रिपरेशन करोगे ना, वो खुद ही करनी पड़ेगी, आपके टीचर्स नहीं कराने वाले, ठीक है, भले आप कहीं भी पढ़ते हो, वो जेई पे फोकस्ड रहेंगे। तो डोंट रिलाई ऑन कोचिंग, रिलाई ऑन इधर बुक्स और बेटर ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। और लास्ट अगर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँ, आई वुड से यार गिव इट योर ऑल, क्योंकि यार ये एग्ज़ाम ना बहुत ही स्पेशल एग्ज़ाम है। मतलब सच बताऊँ ना, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मेरी पूरी लाइफ इस एग्ज़ाम की वजह से ही बनी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम से पहले आई वॉज अ नोबडी, मतलब बहुत ही सिंपल फैमिली और जगह से हूँ मैं। एंड इस एग्ज़ाम से पहले सच में मेरे में कोई कॉन्फिडेंस लेवल या कुछ अचीवमेंट नहीं था, और मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने एग्ज़ाम नहीं, जैसे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी तो मैंने आपका कितना ही सारा जेई सिलेबस 9th 10th में कर लिया था, राइट, 9th में कर लिया था टू बी स्पेसिफिक, 10th में भी। फिर वो देखो, 9th में एक बार आप में मोमेंटम आ जाता है ना, फिर आप कर लेते हो चीज़ें, वो मोमेंटम आने की बात होती है। आप देखते हो ना कि कोई कोई बच्चे एकदम से रिजल्ट आने लगते हो, क्योंकि उनमें मोमेंटम आ जाती है। वो तो मेरे में वो मोमेंटम इस एग्ज़ाम की वजह से आई, जो फिर आगे जाके मेरे जेई के रिजल्ट, मेरी आईआईटी की डिग्री और एकेडमिक्स भी आज एक तरह से इस एग्ज़ाम की वजह से ही मैं मानता हूँ है। अगर हम बिल्कुल रूट लेवल पर देखें तो मेरा जो पूरा करियर और मेरी जो पूरी लाइफ है, मैं तो मानता हूँ इस एग्ज़ाम की वजह से इन अ वे, मतलब इनिशियल पॉइंट जो होता है ना, ऑब्वियसली आगे बहुत चीज़ें थी लेकिन स्टार्टिंग इसी एग्ज़ाम ने की थी। सो टू मी दिस एग्ज़ाम इज़ वेरी स्पेशल एंड आई विल ऑलवेज चेरिश द मेमोरीज ऑफ दिस एग्ज़ाम एंड प्रिपेयरिंग फॉर इट। एंड आई बिलीव कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से जो मैंने चीज़ें सीखी ना, वो मुझे आज भी काम आती हैं, स्पेशली जेई में तो बहुत ज़्यादा काम आई थी। मतलब मैं तो कहूँगा कि मेरी जो जेई परफॉर्मेंस रही थी ना, दैट इज़ मे बी 50% बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम, क्योंकि मैंने उस समय ही इतना कुछ पढ़ लिया था कि आगे मुझे कम पढ़ना पड़ा, राइट। सो दिस इज वाई आई आस्क यू ऑल टू गिव इट योर ऑल यार, अपना सब कुछ दो इस एग्जाम को, क्योंकि दिस इज एन एग्जाम विच डिजर्व्स दैट टाइम एंड विच नीड्स इट टाइम। आप NTSC वगैरह जैसे छोटे मोटे एग्जाम, NTSC है ठीक है, रिकॉग्निशन है, बट इट्स अ सिंपल एग्जाम यार, सबको पता है, ठीक है। आप अगर एक सच में एम्बिशियस स्टूडेंट हो, दिस इज द एग्जाम टू गो फॉर, दिस इज द एग्जाम जो आपको सच में टेस्ट करेगा, दिस इज द एग्जाम जहाँ पे आप जब कैंप में जाओगे आपको दिखेंगे ऐसे तगड़े तगड़े लोग कि आपका दिमाग चकराएगा कि भैया कैसे कैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, और फिर आप पढ़ना सच में चालू करोगे। एंड दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दैट इज द काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी दिस एग्जाम कैन गिव यू। सो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर इट, दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जाम जिसको आप अगर अपना पूरा साल भी दे दोगे ना, और अगर आप सेलेक्ट नहीं भी होगे तब भी वो ज़्यादा वर्थ इट होगा कंपेयर टू, मतलब मैं ये मानता हूँ कि IGSO की अच्छी तैयारी करके फेल होना इज़ बेटर देन बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं ना 9th 10th में, उनमें फर्स्ट रैंक ले आना, उससे बेटर है कि इसकी तैयारी अच्छी करके फेल होना, बिकॉज दिस इज समथिंग विच विल एक्चुअली प्रिपेयर यू फॉर योर फ्यूचर, दिस इज समथिंग विच विल एक्चुअली गिव यू इनसाइट, विच विल एक्चुअली मेक यू नॉलेजेबल, राइट। सो प्लीज प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम विद योर बेस्ट कैपेसिटी, एंड इफ यू नीड एन ऑनलाइन कोर्स फॉर IGSO प्रिपरेशन, यू कैन चेकआउट आवर IGSO कोर्स विच इज लिंक्ड इन डिस्क्रिप्शन, या आप हमारा JEE फाउंडेशन कोर्स भी ले सकते हो, उसके अंदर ये इंक्लूडेड है, ठीक है। सो यू कैन टेक आइदर ऑफ दीज थिंग्स। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड नोटिफाई करिए, ताकि आपको ये वीडियो सजेस्ट होती रहे आगे भी, और आपको कुछ क्वेरी हो मेरे सोशल मीडिया लिंक्ड है नीचे, कोर्स भी लिंक्ड है नीचे। गुड लक, मस्ती करो यार, और प्रिपेयर करो इस एग्जाम के लिए। अपडेट करना मुझे कमेंट्स में कि व्हाट योर शेड्यूल इज गोइंग टू बी, हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड एवरीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू टेल मी। बाय।